पेयजल और स्वच्छता के लिए फंड मैनेजमेंट। अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत ही ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य एवं संपन्न जीवन के लिए महत्वपूर्ण मूल सुविधाएं प्रदान करने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। वास्तव में ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण स्थानीय प्रशासनिक संस्थान है, जो गांव के विकास में अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के विकेंद्रीकरण सिद्धांतों के आलोक में सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता प्रदान करने का प्रावधान 11वीं अनुसूची के 29 कार्यों में शामिल किया गया है, जिसके अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता की आपूर्ति को सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। स्थानीय स्तर पर विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों को अपनी जल आपूर्ति योजना के लिए बजट तैयार करना होता है। यह व्ययकों, मदों और राजस्व का स्रोत, जो मुख्यतः समुदाय और ग्राम पंचायत के अंशदान से प्राप्त होता है, का साधारण दस्तावेजीकरण होता है। पेयजल के लिए फंड मैनेजमेंट और बजट की आवश्यकता क्यों है? अमूमन किसी भी कार्य को करने के लिए हम भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों को आधार मानकर आय और व्यय का अनुमान लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार पेयजल और स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाओं और उद्देश्यों को आधार मानकर आय और व्यय का अनुमान लगाते हुए ये तय करना जरूरी है कितना धन कहाँ खर्च करना है और कितना धन कहाँ से प्राप्त करना है। आगामी वर्षों के लिए पेयजल और स्वच्छता पर अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा बनाने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों को इस दिशा में काम करना चाहिए। किसी भी राज्य अथवा देश की अर्थव्यवस्था सरकार के बजट से ही प्रभावित होती है, इसलिए बजट के बहुत से उद्देश्य होते हैं, जैसे इस प्रकार तैयार होता है ग्राम पंचायत जल आपूर्ति योजना बजट। सर्वप्रथम व्यय की गणना की जाती है, उसके बाद ग्राम पंचायत का अंशदान तय किया जाता है, शेष राशि को उपभोक्ता प्रभारों अथवा जल प्रभारों से लिया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर बाकी राशि का इंतजाम करने के लिए विभिन्न स्रोतों से संपर्क कर उनसे फंड का आवंटन कराना। उदाहरण के लिए अगर जल कर्मियों का व्यय निकालना है तो इसके लिए जल सेवाओं के दायरे और आकार के आधार पर सेवित क्षेत्र स्टाफ की संख्या निकाली जानी चाहिए। इसी क्रम को इस फॉर्मूले से किया जा सकता है, कर्मी की संख्या गुणा मासिक वेतन गुणा 12 माह बराबर अनुमानित व्यय। इसी तरह जल समिति कार्यालय के खर्चों का अनुमान लगाने के लिए मासिक व्यय गुणा 12 माह बराबर अनुमानित व्यय का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि फील्ड स्तर पर आंकड़े इकट्ठे कर सर्वे और इन्वेस्टिगेशन पर व्यय का अनुमान लगाना, ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है? ग्राम पंचायत के घरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता की जरूरतों को पूरा करना, ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम यानी कि GPDP में पानी और स्वच्छता सुविधाओं को प्राथमिकता देना, सभी संबंधित साझेदारों के लिए ग्राम स्तरीय सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों पर बल देना, ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों जैसे कि स्वच्छ ग्राहियों बेयर फुट टेक्नीशियन में क्षमता निर्माण करना,
पेयजल संबंधित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेना, जल और स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के कार्यों में भाग लेना, जल और स्वच्छता प्रबंधन के लिए कुशल संचालन की जरूरत है। इसके लिए ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति को ग्राम पंचायत तथा जल कर्मियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना चाहिए। क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कुछ उचित उपकरणों या टूल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्रियान्वयन की निगरानी। ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति और ग्राम पंचायत को आय व्यय का एक रजिस्टर बनाना चाहिए। इसमें आय और व्यय का तारीख वार विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत हो तो ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत को इसके बारे में बताएं। इस काम को कंप्यूटर के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर अधिक बेहतर ढंग से किया जा सकता है। याद रहे कि हमारे जीवन का आधार पेयजल से है, इसलिए पेयजल को संरक्षित करना जरूरी है। आज ही करें निश्चय, पेयजल का करेंगे संचय। जय हिंद, जय भारत।